बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ शगुफ्ता। टुडे आई विल टीच यू 8th क्लास ऑफ एक्सेल। इन 8th क्लास ऑफ एक्सेल आई एम गोइंग टू टीच यू पेज लेआउट मेन्यू एंड ऑल प्रिंटिंग ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्ट माई क्लास, इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, सो यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। देखिए, पेज लेआउट जो मेन्यू होता है वो हमारा प्रिंटिंग के हवाले से होता है। हमने कोई भी इस पर काम किया हुआ है, अपनी कैलकुलेशन की हुई है, कोई भी वर्क किया हुआ है, तो पेज लेआउट मेन्यू अगर हमें अपने काम का प्रिंट निकालना है तो उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके बगैर, हम यूज़ किए बगैर जो है हम प्रिंट का ऑप्शन ज़्यादातर नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से सारी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेज लेआउट में वो है थीम। थीम का ऑप्शन किस लिए होता है? जैसे कि मैंने ये एक कैलकुलेशन पहले से बनाई हुई है, अब अगर मैं यहाँ थीम पे जाके क्लिक करूँ तो इससे क्या होगा? देखिए, ये इस पर राइटिंग स्टाइल वगैरह हमारे चेंज हो जाएंगे। ये बने बनाई थीम्स आ रही है, राइटिंग स्टाइल आ रहे हैं। अब आप जिस जो आपको राइटिंग स्टाइल इसमें डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, देखिए जैसे इसमें ऑफिस है, फेस्ट है, विप्स है, ड्रॉपलेट है, जैसा भी आपको स्टाइल पसंद आ रहा है वो आप क्लिक कर दें। ठीक है जी, मैं क्लिक नहीं कर रही, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। अच्छा, उसके अलावा कलर्स वगैरह आ रहे हैं। अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं जो इस राइटिंग स्टाइल में, अगर आप कलर कोई और सा अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो वो इधर चेंज हो जाएंगे, फिर यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है मार्जिन। देखिए, मार्जिन का ऑप्शन एक्चुअली किस लिए होता है? जैसे कि अभी तो आपको इसमें देखिए ना, मार्जिन पता ही नहीं चल रहा, लेकिन जब अगर आपको अपने काम का प्रिंट निकालना है तो मार्जिन सेटिंग वो होती है कि टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से कुछ फासला होता है जिसको छोड़कर हम लिखना शुरू करते हैं। अब वो फासला वैसे नॉर्मल तो इस पर सेट ही हुआ हुआ होता है, मार्जिन में ना नॉर्मल इस पर सेट हुआ हुआ होता है, लेकिन अगर आप मार्जिन सेटिंग आपको चेंज करनी है, फ़र्ज़ करें कि अगर आपका कोई बहुत थोड़ा सा काम है जो सेकंड पेज पर चला गया है, तो मार्जिन सेटिंग अगर आप कम कर दें, 1 इंच है, सॉरी 2 इंच है, आप उसे 1 इंच कर देंगे तो 1 इंच की जगह इसमें बच जाएगी, तो वो दूसरे पेज पे जो काम गया है वो पहले पेज पर ही आ जाएगा। तो मार्जिन सेटिंग आपको सेट करनी आनी चाहिए। देखिए, अभी तो आपको मार्जिन सेटिंग देखिए ना पता ही नहीं चल रही है। आप व्यू में जाएंगे, व्यू मेन्यू में जाकर अगर पेज लेआउट क्लिक करेंगे तो देखिए ये कुछ इसमें देखिए ये ऊपर मार्जिन सेटिंग आपको पता चल रही है। अब मैं अगर इसको यहाँ से क्या कर दूँ, नॉर्मल कर दूँ, मैंने क्या किया यहाँ से इसको नॉर्मल कर दिया, तो अब मैं यहाँ जो है क्या कहते हैं पेज लेआउट में अगर मैं गई मार्जिन में जाकर, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, देखिए ना कस्टम मार्जिन में जाकर, अब देखिए ये मार्जिन सेटिंग आ रही है, ये टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, ये फासला ये है। अब अगर मैं इसको कम कर दूँ, देखिए टॉप से फासला अगर मैं कम करना चाहूँ तो ये नीचे करूँगी, देखिए ये कम होता जा रहा है, पहले 1 इंच में था, पॉइंट में चला गया। अब अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं बढ़ा भी सकती हूँ, क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन सेटिंग कम हुई भी होती है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं टॉप से, या अगर लेफ्ट से अगर आपको कम कर बढ़ाना है तो आप ऊपर क्लिक करें, और कम करना है तो फिर आप नीचे क्लिक करें, तो इस तरह से मार्जिन सेटिंग आप कम भी कर सकते हैं। वैसे ये नॉर्मल जो आपका मार्जिन सेटिंग है, पेज साइज़ है, ये तमाम चीज़ें सेट हुई हुई होती हैं इसमें जो है ना एक्सेल में, लेकिन अगर आपको अपने काम के लिहाज से आप प्रिंट निकालने हैं, आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी है, वो उस वक्त चेंज करनी होती है, ज़ाहिर बात है कि जब आपका काम आपको जो है एक पेज पर करना है, या आपको काम अपना मतलूबा जैसा आप चाह रहे हैं उस लिहाज से करना है, तो फिर आपको ये तमाम ऑप्शंस समझने आने चाहिए। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ से कम कर दिया। इसी तरह हेडर फुटर टॉप से और बॉटम से जो फासला होता है वो अगर आपको कम ज़्यादा करना है वो कर दें, राइट से अगर आपको मार्जिन सेटिंग कम ज़्यादा करनी है यहाँ से कर दें, और ओके कर देंगे तो ये बाहर भी हो जाएगी, लेकिन ये नॉर्मल सेट हुई हुई है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, मैं ओके नहीं कर रही, मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है कि पोर्ट्रेट है, ये आप वर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि पोर्ट्रेट ऐसा पेज होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। अगर आपको पोर्ट्रेट पर वर्क करना है तो इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो काम हुआ हुआ है वो ऑलरेडी पोर्ट्रेट पर ही हुआ हुआ है। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको लैंडस्केप पर वर्क करना है,
ये नॉर्मल वर्किंग होती है वर्ड में, एक्सेल में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, ज़्यादातर वर्ड एक्सेल की मैं बात करूँगी वो पोर्ट्रेट पर ही हो रही होती है। लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप ऐसा पेज होता है जो उसका अपोजिट होता है पोर्ट्रेट का, जिसकी लंबाई कम होती है और चौड़ाई ज़्यादा होती है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई चीज़ इस पर जो है ऐसी कर रहे हैं कि जिसके जो है लैंडस्केप में आपको वर्क करना है, तो पहले आप क्या करें, लैंडस्केप यहाँ से क्लिक कर दें पेज लेआउट में जाकर, और फिर आप यहाँ वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पेज साइज़। देखिए नॉर्मल जो पेज साइज़ होता है वो लेटर साइज़ होता है या A4 होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई पेज साइज़ लेना है तो मोर पेज साइज़ में जाकर आप देखिए ये पेज साइज़ वगैरह आ रहे हैं, आप यहाँ से पेज साइज़ जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके कर देंगे। लेकिन मैं जो नॉर्मल पेज साइज़ है लेटर साइज़ A4, उसी पे ही मैं जो है अपना काम कर रही हूँ। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आप यहाँ से पेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास प्रिंट एरिया। देखिए नॉर्मल हमारा जो काम हुआ हुआ है, ये तमाम काम अगर हम प्रिंट में निकालना चाहें तो जाहिर बात है कि तमाम काम प्रिंट में शो होगा। जैसे कंट्रोल पी प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की है, जब मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगी तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा ये, यानी कि ये काम आपका प्रिंट में इस तरह से निकलेगा, यानी जिस तरह से ये प्रीव्यू आ रहा है ये प्रिंट में भी निकलेगा। मैं बैक गई, अब देखिए मैंने काम तो किया हुआ है लेकिन मैं कुछ सिर्फ मखसूस एरिया प्रिंट में निकालना चाह रही हूँ, बाकी एरिया प्रिंट में नहीं निकालना चाह रही। तो मैं क्या करूँगी, देखिए जैसे फर्ज करेंगे जो टोटल वाला जो कॉलम है, सिर्फ मुझे ये प्रिंट में निकालना है, बाकी पूरा एरिया प्रिंट में नहीं निकालना जो मैंने अपनी इस शीट पर काम किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, इस एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने प्रिंट एरिया में गई और सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दूंगी। सिलेक्ट करके मैंने पेज लेआउट के ऑप्शन प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दिया। अब देखिए जब मैंने सेट प्रिंट एरिया क्लिक किया, देखिए शायद हुआ नहीं है, इसको दोबारा से क्लिक करती हूँ, प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दिया। अब मैं अगर कंट्रोल पी से इसका प्रीव्यू चेक करूँ, ये देखिए कंट्रोल पी से मैंने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया। अब देखिए पहले आपने देखा था कि पूरी शीट का जो है ना क्या कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू आ रहा था, लेकिन अब सिर्फ टोटल का प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यही सिलेक्ट करके प्रिंट प्रीव्यू, सॉरी प्रिंट एरिया क्लिक किया है। तो प्रिंट एरिया में आप जितना काम सिलेक्ट करके प्रिंट एरिया क्लिक कर देंगे तो उतना ही काम आपका प्रिंट में निकलेगा। अब अगर मैं जाकर यहाँ इसको दोबारा से सिलेक्ट करूँ, और दोबारा से सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया में जाकर क्लियर प्रिंट एरिया कर दूँ तो क्या होगा? कंट्रोल पी किया मैंने, कंट्रोल पी से अब देखिए ये सारा काम मेरा शो हो रहा है, मतलब कि सारा काम हमारा प्रिंट में प्रीव्यू में शो हो रहा है, तो प्रिंट में भी निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्रेक। अगर आपको अपना काम डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करना है तो आप ब्रेक क्लिक करेंगे। जैसे जैसे मेरा ये काम है, अगर मुझे यहाँ से इसको जो है डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगी, जहाँ से भी करना है, कहाँ कर्सर रखूँगी, तो देखिए ये फोर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस कर्सर के मतलब कि सिलेक्शन के ऊपर ये अलग पार्ट में डिवाइड होगा, और ये नीचे अलग पार्ट में डिवाइड होगा, इस तरफ राइट में ऊपर अलग पार्ट में डिवाइड होगा, और जो डाउन साइड राइट है वो अलग पार्ट में डिवाइड होगा। तो ब्रेक से हम अपने पेज पर जो मौजूद काम है उसको डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जाकर क्लिक कर दिया इंसर्ट पेज ब्रेक, देखिए मेरा काम डिवाइड हो गया। अभी आपको पता नहीं चल रहा, अगर मैं कंट्रोल पी से आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये काम डिवाइड हो गया है। ठीक है जी, तो आपको अगर अपना काम डिवाइड करना है तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, और रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दूंगी तो ये रीसेट हो जाएगा। तो आपको जिस तरह भी अपना काम डिवाइड करना है तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक में जाकर इंसर्ट पेज ब्रेक क्लिक करके। ठीक है जी, अब देखिए मैंने ये अपने काम डिवाइड तो दोबारा से करके मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे अभी आपको प्रिंट टाइटल का ऑप्शन भी समझाना है, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से जो है ना ब्रेक क्लिक कर दिया। अब प्रिंट टाइटल का ऑप्शन समझाने से पहले मैं बैकग्राउंड समझाऊंगी। बैकग्राउंड किस लिए होता है कि अगर आपको अपने काम के बैक साइड पर कोई भी जो है मतलब के बैकग्राउंड देना है तो आप दे सकते हैं बैकग्राउंड, किसकी मदद से, बैकग्राउंड की मदद से। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड देने के लिए मैंने बैकग्राउंड क्लिक किया,
और अगर आपको ऑनलाइन बैकग्राउंड लेकर आना है तो फिर आप जो है ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं ये ब्राउज़ वगैरह से। मैं तो फ्रॉम फाइल से लेके आ रही हूँ, मैंने पहले से सेव किया हुआ है और मैंने यहाँ डेस्कटॉप क्लिक किया और ये देखिए ये बैकग्राउंड मैंने सेव किया हुआ है। अब देखिए ये आ गया बैकग्राउंड। अब अगर आप कोई बैकग्राउंड लगा रहे हैं तो आपको इस पर काम मतलब कि ऐसा जो है ना कलर में करना चाहिए कि जिससे आपका काम इस पर क्या हो, फील हो। जैसे कि मैं होम में गई, मैंने यहाँ से ऐसा कलर लिया, ये देखिए फील हो रहा है। ठीक है जी, अब मुझे अगर बैकग्राउंड हटाना है, मैं वापसी अपनी राइटिंग का वही कलर कर रही हूँ, मुझे बैकग्राउंड हटाना है तो मैं यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड कर दूँगी पेज लेआउट में, तो डिलीट बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल का ऑप्शन देखिए किस लिए होता है, जब आपने अपने काम को ब्रेक किया हुआ हो। ठीक है जी, आपका काम डिफरेंट पेजेस पर हुआ हुआ है, ये ब्रेक कह लें या फिर डिफरेंट पेजेस पर हुआ हुआ है, आप हर पेज पर एक टाइटल देना चाह रहे हैं कि वो टाइटल जो है हर पेज पर आए। आपने फ़र्ज़ करें वो टाइटल इधर लिख लिया, अब आप कहेंगे कि जो है ना हम मिस अलग अलग पेज पर टाइटल दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो बहुत टाइम दरकार होगा ना भाई। आपने 10 पेजेस पर या 20 पेजेस पर या 30 पेजेस पर काम किया हुआ है, अब फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ लिखा न्यू स्टॉक, अब वो मैंने लिखा तो सिर्फ इसी पेज पर है, लिखा तो सिर्फ इसी पेज पर है ना। मैं चाह रही हूँ कि ये जितने अलग अलग पेजेस पर मेरा काम हुआ हुआ है वो उतने ही अलग अलग पेजेस पर ये न्यू स्टॉक का जब मैं प्रिंट निकालूँ तो वो तमाम पेजेस पर ये टाइटल मैं दूँ एक पेज पर, और प्रिंट में ये तमाम पेजेस पर जो है निकला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये टाइटल आपने दिया हुआ है जिसको आप टाइटल हर पेज पर देना चाह रहे हैं, इस टाइटल को लिखकर सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट टाइटल का ऑप्शन क्लिक करेंगे, और प्रिंट टाइटल का ऑप्शन क्लिक करने के बाद रो टू रिपीट एट टॉप क्लिक करेंगे और ये वाली जो रॉ है ये क्लिक कर देंगे। फिर इसमें जाकर आप दोबारा से कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर ये वाला कॉलम क्लिक कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हर पेज पर टाइटल आ रहा है, तो हम कंट्रोल पी से इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। आप देखिए जो प्रिंट प्रीव्यू में देखिए ये न्यू स्टॉक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं अगर नेक्स्ट पेज क्लिक करूँ तो उस पर भी लिखा हुआ आ रहा है। तो जितने भी पेजेस पर आपके काम होगा, ये फिलहाल अभी 2 ही पेजेस पर हुआ हुआ है तो इस पर लिखा हुआ आ रहा है, अगर 2 से ज़्यादा पेजेस पर काम होगा तो ये उस पर भी लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक क्लिक किया तो 2 से ज़्यादा पेजेस पर काम करेंगे तो ये उस पर भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, आप इसी तरह आपका जो ये आ रहा है स्केल टू फिट आ रहा है, विड्थ आ रही है, हाइट आ रही है, देखिए ये एक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। किस लिहाज से ज़रूरी ऑप्शन है कि आप देखिए अगर आपका काम विड्थ देखें ऑटोमेटिक सेट हुई हुई है, हाइट भी ऑटोमेटिक पे करके फिर आपको समझाती हूँ मैं क्या है ये। देखिए ये किस लिए है एक्चुअली, बाज़ अवकात ऐसा होता है जैसे कि अगर मैं अपने काम का, पहले तो मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से ब्रेक में जाकर रीसेट ऑल पेज कर देती हूँ ताकि ये जो पेज ब्रेक वगैरह किए हुए मैंने ये रिमूव हो जाए। ठीक है जी, अब अगर देखिए मैं कंट्रोल पी से प्रिंट प्रीव्यू चेक करूँ तो देखिए आप मेरे पेज एक पेज पर इतना काम आ रहा है और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो दूसरे पेज पर इतना काम आ रहा है, यानी कि मेरा काम एक पेज से ज़्यादा पेजेस पर आ रहा है। मैं अपना काम एक ही पेज पर निकालना चाह रही हूँ प्रिंट में, तो विद और एक तरीका तो ये है कि आप स्केल काम सिलेक्ट करके स्केल छोटा कर दें। स्केल क्या होता है, अगर आप छोटा कर देंगे 100% से कम तो एक ही पेज पर ना इसको काम को छोटा छोटा करके ट्रांसफ़र कर देगा, मैक्रो बना देगा एक ही पेज पर। जितने परसेंट आप कम करेंगे उतने परसेंट आपका काम छोटा छोटा होकर एक पेज पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए कुछ हद तक ये ऑप्शन काम कर सकता है, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने 10 to 20 पेजेस पर काम किया हुआ है और आप वो सब एक पेज पर ट्रांसफ़र करेंगे तो काम तो ट्रांसफ़र हो जाए मे बी, लेकिन वो इतना छोटा उसका स्केल यानी ये परसेंट हो जाएगा कि फिर आपको बहुत कम महसूस होगा। लेकिन 1, 2 to 3 पेज का काम इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन ये जो 2 पेज का काम है अभी मैंने आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाया कि थोड़ा सा काम इधर आ रहा है, तो स्केल से तो जो है नॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आप विद में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका काम जो है विद में जो है हाइट तो सही है इसकी लेकिन विद में दूसरे पेज पर जा रहा है। तो मैंने यहाँ से क्या क्लिक कर दिया, विद में जाकर 1 पेज क्लिक कर दिया, 1 पेज पर यानी कि मुझे ट्रांसफ़र करना है। अगर मैं 4 पेजेस कर दूंगी तो ये काम और 4 पेजेस पर चला जाएगा,
एक्सपेंड होगी, मतलब उसका स्केल बढ़ जाएगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसको किस पर ट्रांसफ़र करना है, वन पेज पर ट्रांसफ़र करना है, तो मैंने यहाँ से वन पेज क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ से वन पेज क्लिक कर दिया। अब अगर मैं जाकर कंट्रोल पी से इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाऊं, ये देखिए आप देख सकते हैं, पहले ये दो पेजेस पर था और अब ये वन पेज पर ट्रांसफ़र हो गया। थोड़ा छोटा साइज़ मतलब कि इसने इसकी मैक्रो बना दी। तो इस तरह से आपके अगर प्रिंट में मसला हो रहा है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं दोबारा से जाकर इसे ऑटोमेटिक कर दूंगी, ऑटोमेटिक कर दिया, तो फिर ये दोबारा से जाकर उसी तरह से हो जाएगा। स्केल आप चाह रहे हैं दोबारा से 100% कर दें, क्योंकि ऑटोमेटिक से वन पेज पर तो हो जाएगा, लेकिन स्केल छोटा होगा तो क्या होगा कि वो फिर मैक्रो वही साइज़ की आ रही होगी। ठीक है जी, अब देखिए दोबारा से जो है टू पेज पर ट्रांसफ़र हो गया, देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस काम को, जैसे कि मेरा ये काम है, थोड़ा सा मैं इस काम को जो है, देखिए ये मेरा काम है, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए आपको काम एक्सपेंड कर लिया, हालांकि ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। आप अगर मैं कंट्रोल पी से इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रही हूँ, तो आप देखिए ये प्रिंट पे काम जो है नेक्स्ट पेज पर भी आ रहा है लंबाई में। मज़ीद बढ़ा लेते हैं इसको, ताकि मैं आपको ईजीली समझा सकूँ। इस कैप से मैं बाहर आई, इस कैप करके, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने वन पेज पर इसका जो है ना काम ट्रांसफ़र तो कर दिया, क्योंकि ये विद में भी ज़्यादा आ रहा था, तो वन पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया। कंट्रोल पी से मैंने चेक किया, देखिए वन पेज पर ये ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन जब हम लेंथ पे क्लिक करेंगे, जब लेंथ है, लेंथ वही आ रही है, तो हमारा काम का जो है सही जो है मतलब कि नहीं आ रहा होगा। आप क्या करें, यहाँ से भी वन पेज क्लिक कर दें। तो अगर आपको अपना काम विद में वन पेज पर ट्रांसफ़र करना है, विद में आपका काम बाहर मतलब कि शो हो रहा है, तो आप मतलब कि एक पेज से ज़्यादा शो हो रहा है, तो आप यहाँ से वन पेज क्लिक कर देंगे तो वो जो है वन पेज पर आ जाएगा। और अगर आपका काम हाइट में यानी कि लंबाई में दूसरे पेज पर जो है चला गया है, तो आप हाइट में जाके वन पेज क्लिक कर देंगे, तो हाइट में भी मतलब कि दूसरे पेज से वो काम ट्रांसफ़र हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, उसकी मैक्रो बन जाएगी और वन पेज पर जो है आ जाएगा। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। और अगर आपका काम विद में और हाइट में दोनों तरह से आपका काम ज़्यादा है, एक पेज से ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो आप विद भी सेट कर दें और हाइट भी वन पेज कर दें, विद भी वन पेज कर दें, वरना इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, हो सकता है भाई आपका काम विद में जो है बिल्कुल सही है, एक पेज पर आ रहा है, लेकिन हाइट में बाहर जा रहा है, तो हाइट वन पेज कर दें, और अगर हाइट में सही है सिर्फ विद में बाहर जा रहा है, तो विद वन पेज कर दें। ठीक है जी, और अगर मैं यहाँ से दोबारा से ऑटोमेटिक कर दूंगी, तो ये दोबारा से नॉर्मल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है जी, स्केल समझा दिया कि ना आप विद छेड़ें ना हाइट छेड़ें, सिर्फ स्केल में जाके आप परसेंट 100 नॉर्मल आ रहा होता है, आप विद में जाके सिर्फ 100 से कम करें, तो खुद ब खुद एक पेज पर मैक्रो आपकी बनाता जाएगा। और आप कहेंगे कि टू पेज थ्री पेज फोर पेज क्या आ रहा है, मैंने पहले बता दिया है, वो ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये फिर आप अपना काम अगर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं सेवन पेजेस में एक पेज का काम, या टू पेजेस का काम, सिक्स पेजेस में, फाइव पेजेस में, विद में या हाइट में, तो यहाँ से ये क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइंस व्यू प्रिंट। देखिए जी, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये देखें, ये बॉक्स आ रहे हैं, ये ग्रिड लाइंस है। अभी देखें, अगर आप को ये जो ग्रिड लाइंस हैं, जो बॉक्स हैं, ये प्रिंट में भी शो करना है, तो देखिए अब अगर मैं अभी क्लिक करूँगी तो ये प्रिंट में शो नहीं हो रहा है। कंट्रोल पी क्लिक किया मैंने, देखिए ये प्रिंट में नहीं आ रहे, सिंपल सादा पेज आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में भी शो करनी है, तो आप ग्रिड लाइंस में जाकर प्रिंट पर टिक लगा देंगे। अब मैं कंट्रोल पी से इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करूँगी, आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट में भी शो हो रहे हैं, मतलब प्रिंट प्रीव्यू में शो होने का मकसद क्या है कि ये बॉक्सेस अब आपके प्रिंट में भी आएंगे। तो अगर आपको ये जो बॉक्सेस हैं वो प्रिंट में भी निकालने हैं, तो आप ग्रिड लाइंस के व्यू में जाकर प्रिंट पर टिक लगा दें, और अगर नहीं कैलकुलेट सॉरी नहीं अगर आपको जो है प्रिंट में निकालने हैं, तो आप प्रिंट पर से टिक हटा दें, नॉर्मली इस पर टिक नहीं लगा हुआ होता। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हेडिंग का, हेडिंग्स
क्या हैं, ये देखिए हेडिंग्स है ना, ए बी सी डी ई एफ जो कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रॉस के नाम आ रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको प्रिंट चेक करवाऊँ इसका, कंट्रोल पी से मैंने इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक किया, तो ये प्रिंट में आपको नहीं शो हो रहा है। लेकिन अगर आपको इसको प्रिंट में भी शो करना है तो आप क्या करेंगे, हेडिंग्स में जाकर, व्यू में जाकर प्रिंट पर टिक लगा देंगे। तो ये कंट्रोल पी से मैंने क्लिक किया तो ये आपकी प्रिंट में भी देखिए कॉलम के नेम्स भी शो हो रहे हैं और रॉस के नेम भी शो हो रहे हैं। और अगर नहीं आपको प्रिंट में निकालना तो आप प्रिंट पर से टिक हटा देंगे। इसके अलावा ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड, बैकवर्ड, ये सब ऑप्शन वर्ड्स वाले हैं। ये वर्ड में आपको आते हैं वही पिक्चर वगैरह, कोई लोगो वगैरह लेना है, एक लोगो या पिक्चर वगैरह को एक दूसरे के पीछे लेके जाना है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड करते हैं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।